सर आपको प्रमाण चाहिए? सर प्रमाण यह है, ठीक है, ये देखें भाई, ये है, ये हकीकत है। आईआईटीवी भाई, आप आर्या समाज को सपोर्ट करते हैं, ऐसा ही है? देश में रहते हो तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको आप मानते हो, जिसका एक संविधान होता है, चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे आप अमेरिका में रहो, कहीं भी रहो, तो आप जहाँ के सिटीजन हो तो आपको वहां का संविधान मानना पड़ेगा ना, आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा उसी तरीके से। अच्छा एक मिनट, अगर मैं आपको दिखाऊं आर्या समाज किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी नियम को नहीं मानते जो वेद विरुद्ध हो, और इंडियन को, अच्छा मैं आपसे पूछ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप मानते हो ना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाँ सर मानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर सर देखो हाँ बोलिए, मेरे साथ चले, मुझे पता है दिक्कत, मेरे साथ चले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके नजदीक ऊपर है या वेद ऊपर है, जरा मुझे बताइएगा। सर मेरे हिसाब से देखो सर, अगर आप बोलोगे कि वेद ऊपर है, ये ऊपर है, तो ये वो वाली बात हो जाएगी कि अगर किसी मुसलमान से पूछा जाए कि आपके लिए वतन ऊपर है या कुरान ऊपर है, ठीक है? ये देखें, एक मिनट रुकिएगा, एआईटीवी भाई, मुझे डेमो देने दे। मुसलमानों सुने, मुसलमानों का फॉर्मूला ठीक हो गया है अब? हाँ सर बोलिए, आप आगे बोलिए। टीवी भाई प्लीज, मुझे थोड़ा सा अपनी आवाम से भी तो मुखातिब होने देना, आपसे तो मैं बात। हाँ मेरे लिए अपने देश, मेरे लिए अपना देश आ गया है और अपना संविधान आ गया, आगे बोलिए। जबरदस्त, अब आप चुप कर जाना, आपका पॉइंट आ गया, मुझे अब थोड़ा सा पब्लिक से बात करनी है, आप अकेले नहीं है, मुझे और भी लोग सुन रहे हैं। लो जी, आपके सामने फार्मूला सेट हो गया है। नहीं नहीं, मेरे लिए फार्मूला सेट नहीं हुआ, फार्मूला सेट नहीं हुआ, मुझे बोलने क्यों नहीं देते भाई? रुक जाए ना आईआईटीवी भाई, ये क्या बात हुई यार? मैंने आपको कहा आपने बात रख ली, अब मैं दर्शकों से बात करें, अब फिर बीच में कूद पड़े हैं भाई, ये हमारी स्ट्रीम है आपकी नहीं है, हमें भी तो बोलने दो ना। लो जी दोस्तों, आपने सुन लिया, एक सनातनी से जब हमने ये पूछा तो फार्मूला सेट हो गया, दस्ती खड़े खड़े तुरंत फार्मूला सेट हो गया। और पता क्या कहते हैं, ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी मुसलमान से पूछें, आए हाय हाय आए तो नेशनल टीवी पर बैठकर तो पूछवाते हो, आर्या समाजियों के चैनल पर तो पूछा जाता है, मुर्तदों को तो स्क्रिप्ट दी जाती है कि पूछो मुसलमानों से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है या कुरान ऊपर है, सेट हो गया फार्मूला। अब मैं इनसे अगला प्रश्न करने लगा हूं। हाँ, ये आपने सुन लिया नाजरीन, जरा आप देखिएगा, ये मैं इंडियन मुसलमानों को खासतौर पर सुनाना चाहता हूं कि अपनी टेक्निक को सेट करें। हिंदुओं ने जो तमाशा लगाया हुआ है नेशनल टीवी के ऊपर, और ये मुर्तदों को स्क्रिप्ट दी जाती है ये आरएसएस के पिल्लों की तरफ से कि मुसलमानों से ये सवाल पूछो कि देश ऊपर है या कुरान, और हमारे मुसलमान बेचारे टामक टोइयां करते हुए दिखाई देते हैं। ये जरा देखें, ये अभी अभी ये फार्मूला सेट हो गया, एक अभी आगे और होने लगा है। सर बताइए एक बार, कहां लिखा है कि एक बार वो ऊपर है? एक बार दिखा दोगे मुझे कहां लिखा है जो आप बता रहे थे कि आर्य समाज ये मानते हैं, कहीं लिखा है क्या? दिखा दोगे सर एक बार क्या लिखा है? हां मैं आपको बताता हूं। अच्छा मुझे ये बताइएगा आईआईटीवी भाई के, आप देश को और देश के संविधान को ऊपर मानते हैं, वेद को नीचे, ऐसा ही है? सर मैं दोनों को समान मानता हूँ। पहले सर एक बार मुझे वो दिखा दो जहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ पे आर्य समाज ये बोलते हैं कि पहले आपका वर्ड आना चाहिए। देखिए आपने दो स्टेटमेंट्स दिए, पहले आपने बोला है कि मैं वेद को नीचे रखता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर मानता हूँ। मेरे लिए देश पहले, मैंने बोला कि मेरे लिए देश पहले। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात देखो, कॉन्स्टिट्यूशन और देश में फर्क आ जाता है। अब ये देखिएगा जरा, सनातनियों से वो सवाल पूछा है तो टेबल टर्न कैसे हुआ और फार्मूला सेट कैसे होने लगा, जरा दिक्कत। सर फार्मूला सेट, अगर सर फार्मूला सेट हो गया तो आप एक बार दिखा दीजिए क्या लिखा गया, एक बार मैं देखना चाहता हूं। मैं दिखाता हूं जरा, मुझे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देख चेक तो करने देना, थोड़ा पांडा बजा के चेक करांगे ना जी। आईआईटीवी भाई जरा मुझे अपनी प्यारी प्यारी जुबान से ये बताइएगा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर मानते हैं या वेदास को, जरा बताइएगा प्लीज। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर मान रहा हूं फिलहाल के लिए, अब आगे बताइए। वेद नीचे है कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर, ठीक हो गया? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वेद नीचे, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा देश ऊपर है बस। ओ अच्छा, तो अच्छा वाह भाई वाह, ये ऐसे ही है कि मेरा देश ऊपर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है नीचे, मैं बोल रहा मेरा देश ऊपर है। नहीं ठीक है, तो इंडियन की बात है चलें, अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं ना, ऐसे घूमना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं। अब मेरा सवाल फिक्स ये है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है या वेदास ऊपर है आपके नजदीक, पहले कौन है?
मेरे दादी, अगर आप मेरे लिए पूछोगे तो पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दोनों मेरे लिए एक समान है। आगे बताइए। नहीं नहीं ऊपर ऊपर कौन? नहीं नहीं ऊपर ऊपर दोनों तीनों मेरे लिए ऊपर है। आगे बताओ, मतलब कि वेद भी ऊपर है मेरे लिए और ये भी ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन भी ऊपर है। अभी तो कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं नहीं फिर नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं मेरे लिए देश ऊपर, मेरे लिए देश ऊपर है। आईआईटी भाई देखिए ना, आप एक समान लेकर आ गए भी, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी और वेद भी एक साथ आ गए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूँ, उसमें से आप चूज करिए फिर, ठीक है। वेद में शराब हराम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में परमिसेबल है। अब सर देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये चीज डिफरेंट है। अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनल, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन वगैरह आते हैं। अब सर मैं एक मिनट मेरा क्वेश्चन है सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई। एक मिनट, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, मैं एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सुनते नहीं फिर मुझे नीचे, तो फिर आपको बुरा लगेगा, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। तो पब्लिक को, पब्लिक देख रही है जी, मुसलमानों, ये सवाल आपसे पूछ पूछ के आपके दिमाग को झंझोड़ा करते थे, ये हमने एक सनातनी से आज पूछा है जो आर्य समाज को सपोर्ट करता है। अभी मैंने प्रमाण नहीं दिखाया, सिंपल सवाल पूछा है। जिम्नास्टिक चेक करें आप, बैकफ्लिप्स चेक करें आप, समरसॉल्ट चेक करें, कितनी हैवी किस्म के ट्विस्ट यहां पर चल रहे हैं। टेबल टर्न करना मुसलमानों सीखो, मुसलमानों अपने अंदर एतमाद पैदा करो, मुसलमानों इनके शास्त्रों को पढ़ो, मुसलमानों अपने दिफा के लिए उठो। यही तुम्हारे सामने रोते हैं, यही तुम्हारे सामने कहते हैं। ये इतनी सी बात थी, इतना बड़ा हवा बना के नेशनल टीवी पर, संविधान पहले है कुरान, संविधान पहले, ये तो पूछा है और निकल गई है, हवा निकल गई इस गुब्बारे से। सर मेरा, मैं इसका तो बाद में आएंगे, मैं वैसे पूछ रहा था कि क्या आर्य समाज क्या बोलते हैं इस मामले में। मैं अभी आपको वही दिखाने लगा हूं, मगर आप ऊपर नीचे कर नहीं रहे। जब तक आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे मैं प्रमाण नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने कहा आप आर्य समाज को सपोर्ट करते हैं, और आपने कहा मैं फुली सपोर्ट करता हूं और बदलूंगा नहीं। लाइव बोला था कि नहीं? अच्छा अच्छा नहीं बदलेंगे। अब आगे बताइए। अब मुझे आप एक स्टेटमेंट दे दें, आपके सामने तीन चीजें रखी जाएं, जैसे सैम भाई ने मिसाल से रखा था, देश को हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर लेते क्योंकि वो 1947 के बाद बना इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। सर मैं एक बार, सर मैं एक बात समझ गया, सर मैं आपकी बात समझ गया, आपका पॉइंट पर पास आ चुका है। पहले मैं सर एक सर नहीं सर 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 प्लीज 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 सर सर देखिए देखिए मुझे सर एक चीज वगैरह बोल देती थी। मैं सर दो बातें वगैरह पूछूंगा, ठीक है। देखो क्या होगा कि पहले, उसके पहले मैं एक एक्सियम सेट कर लेते हैं, ठीक है। आपने एक चीज वगैरह बोली थी, पहले मैं उसका सवाल का जवाब देने दिया। सर जो दारू है, हाँ वो वेद में विरुद्ध है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज ठीक हो जाती है। समझ रहे हो ना? तो सर कॉन्स्टिट्यूशन अलग, सर देखो मेरे लिए देश, अगला सवाल आने लगा, आपने मान लिया ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गलत हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर गलत नहीं होता ना, उससे गलत नहीं होता, उससे गलत नहीं होता, इसके विरुद्ध है ना ये। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि वेद विरुद्ध जो नियम होगा, गौर से सुनिएगा, जो आप अच्छे से दीजिएगा, दोबारा सुने, प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, ये 1 करोड़ के लिए आर्य समाज का साथ देने के लिए। अब सुने, वेद विरुद्ध जो नियम होगा वो सही होगा या गलत होगा? डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि आप बोलो कि अहिंसा गलत चीज है, पर वहीं पे कई बार आपको हिंसा करनी भी पड़ती है, सेल्फ डिफेंस कई बार। मैं कहा वेद विरुद्ध, वेद में कहा गया है कि आप हिंसा कर सकते हैं जब जरूरत हो, मैं दिखा दूंगा। हाँ, तो मारने के लिए या धर्मियों को मारने के लिए, तो वेद विरुद्ध की बात हो रही है। मेरा प्रश्न सुना था, दोबारा सुने, मैंने कहा था 1 करोड़ के लिए आपकी स्क्रीन पर प्रश्न, दोबारा गौर से सुने वरना आपकी लाइफ लाइन खत्म हो रही है। वेद विरुद्ध नियम आपकी नजर के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना, वो ठीक होगा या गलत होगा? वेद विरुद्ध नहीं सर, थोड़ा वहां पे नेटवर्क का इशू है, सब नेटवर्क का इशू आ रहा है, वो बताएंगे एक बार, थोड़ी आपको बात कर देंगे, आ जाता है वो, कोई बात नहीं। सर इस मामले में ना मेरी एक राय है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं बताता हूँ क्या, ठीक है, ये इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। होता ये कि जिस देश में आप रहते हैं, ठीक है, उसके संविधान वगैरह सिर्फ एक पंथ के हिसाब से नहीं बनते, मल्टीपल पंथ के हिसाब से बनते हैं और मल्टीपल लोगों के हिसाब से देखे जाते हैं। मैंने आपसे, मैं आपको टोक रहा हूं, ये बात वो आप कर रहे हैं जो इरेलेवेंट है। मैंने कब कहा कि किसी देश के नियम एक ही पंथ के हिसाब से बनते हैं? मैं ये कह रहा हूं वेद विरुद्ध
नियम किसी राष्ट्र में बनेगा? आपने कहा आर्य समाज को सपोर्ट करते हैं, हाँ या ना में जवाब दे, मैंने आर्य समाज का प्रमाण दिखाना है। हाँ, मैं आर्य समाज को सपोर्ट करता हूँ। अगर कोई ऐसा देश है जिसका संविधान वेदों के हिसाब से लिखा गया, तो उसमें पक्का ये दारू वारू नहीं होगी, उसमें पक्का मीट चीज नहीं होगी। अगर सर पर यहाँ पे, सर यहाँ पे चीज इसलिए है ना, क्योंकि जो इंडिया है मल्टीकल्चर कंट्री है। सिंपल चीज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऊपर रखते हैं, वेद को ऊपर रखते हैं, सिंपल चीज है ना, इतना घुमाना फिराना क्या। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं दोनों का सम्मान करता हूँ, दोनों का बराबर सम्मान। देखिए, ओहो, सम्मान नहीं मेरे भाई, देखो सम्मान तो मैं आपकी माँ का भी करता हूँ, पर उसको माँ की जैसा ट्रीट थोड़ी कर सकता हूँ, मेरी माँ मेरी माँ है। सम्मान तो सर हम आपकी माँ का भी करते हैं सर। देखिए सर, सम्मान तो हम आपकी माँ का भी करते हैं, पर वही बात आती है ना कि हम आपकी माँ दोनों करते हैं। दो चीजों का जो एक दूसरे के विरुद्ध हों, पाप और पुण्य में, आप किसका सम्मान करेंगे? पाप का भी करेंगे सर? क्या आर्य समाज की किताब में ये लिखा गया कि संविधान को मत मानो? क्या लिखा गया आर्य समाज की किताब में? मुझे एक बार दिखा दीजिए क्या लिखा है। अभी बताऊंगा, पहले आप पक्के तो हो जाओ। अच्छा, दो एक सवाल सर, एक बार सर सुनो, एक बार दिखा दो, ताकि मेरा भी डाउट क्लियर हो जाए। एक बार दिखा दो, मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा, पहले दिखा दो। क्यों, मैं क्यों नहीं दे रहा आपको पता होना चाहिए, मैं क्यों नहीं ये प्रमाण दे रहा, उसके पीछे वजह है। अभी सुने, जब तक आप पक्के नहीं हो जाएंगे ना एक बात पे, क्योंकि मैंने लाइव वो दिखाना है, आप धर्म और अधर्म में से किसका सम्मान करते हैं? सम्मान करते हैं, पर सर फिर भी एक बात बोलना चाहूंगा कि मुझे आर्य समाज की एक बात बहुत बढ़िया लगती है, जो मैं सबको बताना चाहूंगा। सर एक बार सुनिए, आमिर भाई, इंडिया में सुबह हो जाएगी पर जवाब नहीं मिलेगा इसका, यहाँ पर सुनिए, अटक गई है। धर्म और अधर्म में से किसका सम्मान करते हैं? आईआईटीवी भाई, मैंने प्रमाण देना है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का, इतना सुकून और आसान सवाल है। सर आपको प्रमाण चाहिए? सर प्रमाण यह है, ठीक है, ये देखिए भाई, ये है, ये हकीकत है, ये तो मोदी जी की लैंग्वेज बोल दी है लोग, ये मोदी जी की है। मैं अब मुसलमानों को, जो इंडिया के हमारे खासतौर पर मुसलमान सुन रहे हैं, जवाब दे पाया ये बंदा? धर्म और अधर्म में से किसका सम्मान होगा? इससे आसान प्रश्न कोई हो सकता है दुनिया के अंदर? मुझे बताएं, समझ आया आपको? ये है इनकी औकात। सिंपल प्रश्न पूछा था ये बेचारा, पता है क्यों आया था सैम भाई? मैंने पता क्यों टिल्ट किया था सवाल जी, क्योंकि चार पांच पहले पता क्या, ये छुप के सुनते हैं, जबरदस्त, ये देखते हैं कि पांच छह किस्म के सवाल ये हर कॉलर से जो हिंदू आया है उनसे कर रहा है। उन्होंने इस तरह कहा तो इसने इस तरह कहा, इसने इस तरह कहा तो सैम ने आगे से ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, लिहाजा हमारे साथ भी वो होगा। ओ काका काका, ये आवाजें हल्के हैं, हाँ इधर मेरे पास पत्ते और तरह के हैं, अभी मैंने पांच प्रकार के प्रश्न संभाल कर रखे हुए हैं, तो जो सुना, ओ एक भाग गया, ओ भाग गया पीछे से, उसको लेने लगा आगे मैं, उसको जैसे मैंने कहा प्रश्न बदलने लगा, वो भाग गया। भाई ये स्क्रिप्ट नहीं है कि आपको आपकी मर्जी का सवाल मिलेगा। हाँ, क्या कह रहा है? सिंपल सवाल पूछा, धर्म अधर्म में से किसको सम्मान करोगे? अब इसको चाहिए ये था कि ये बोलता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अधर्म है, तो मैं इसको प्रमाण देता कि वेद विरुद्ध कोई भी व्यवस्था या नियम होगा वो अधर्म है, वो नास्तिकता है, वेद की निंदा है, वेद विरुद्ध है कोई भी नियम होगा। वो कह रहा मुझे प्रमाण दिखाओ, आर्य समाज ने कहां कहा है कि ऐसे व्यवस्था को, ऐसे नियम को नहीं मानना, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को जो वेद विरुद्ध हो, वो मेरे जिम्मे है। वो पहले मानो तो यार, इनके पास सैम भाई जवाब नहीं बनता। सैम भाई, ये आर्य समाज ही था एक्चुअली। जी, आर्य समाज ही था, चुप कर रहा नहीं। जी, ये कंफर्म आर्य समाज ही था, कंफर्म जी। ये पता किस चीज का इंतजार कर रहा था? ये समझ रहा है हम काके हैं? ओ बेटा, हम स्वामी दयानंद के भी अब्बू हैं। शुक्र करो कि स्वामी दयानंद हमारे आने से पहले मर गया, वरना आर्य समाज की टट्टी हमने उसी वक्त 1875 के अंदर निकाल देनी थी। उस शुक्र मनाए कि उस वक्त सैम और आवाजे हक नहीं थे, जिस तरह आज तुम्हारी निकल रही है और गालियों पर आ गए हो। अब छुपकर सोच रहे हैं, जाएं ना जाएं, जाएं तो स्वामी दयानंद की चड्डी उतर जाएगी, ना जाएं तो चड्डी उतर जाएगी, करें क्या? कोई इधर से मुझे नॉर्मल बंदा बता दे, धर्म और अधर्म में से किसका सैम भाई आपसे पूछता हूं, सैम भाई आपके सामने धर्म और अधर्म रखा जाए, आप किसका सम्मान करेंगे? धर्म। एग्जैक्टली, सिंपल।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी आर्य समाज के अनुसार वेद विरुद्ध है, और जो चीज वेद विरुद्ध है वो अधर्म है। यानी ऑटोमेटिकली आप वेद को पीछे छोड़ देते हो जब आर्य समाजी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रखते हैं। ऑटोमेटिकली ये बता ही नहीं रहा था, उसको मौत नजर आ रही थी।